हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फुली फालतू क्लासरूम एंड आई सी मेरी को-होस्ट नहीं आई अब तक। आ गई मैं। I'm sorry that I'm late. यार मेरी कजिन आई हुई है और हम लोग ना रात को 2-3 बजे तक हॉरर और भूत-वूत की ना बातें कर रहे थे। You know she was telling me कि दिल्ली की एक फिरोजशाह कोटला फोर्ट में जिनों की बस्ती है and people still go there to seek blessings. That's creepy and interesting at the same time. है ना? You know, वो जो कहानियां बता रही थी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बट क्या पता कि ये सब एक मिथ भी हो, क्या कहते हैं वो, काल्पनिक अर्बन लेजेंड्स की तरह। कहते हैं ना कुछ फैक्ट्स उपन्यासों से भी अद्भुत होते हैं और हमारा आज का एपिसोड भी ऐसे क्रीपी अर्बन लेजेंड से कम नहीं। हाय, माय नेम इज अनमोल एंड आई एम सिमरन और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोक साहित्य की ईयरी अर्बन लेजेंड्स के बारे में जो जनरेशंस तक वहां के लोकल्स के बीच जीवित रहे हैं। तूने बचपन में अजूबा कुदरत की देखी थी? नहीं। अरे यार, रामसे ब्रदर्स द फेमस कल्ट मेकर्स। गाइस डू ड्रॉप इन योर कमेंट्स कि कौन सी फेवरेट मूवी है आपकी रामसे ब्रदर्स की। तो अजूबा कुदरत का एज अ मूवी बेस्ड ऑन येटी। मैंने वीराना तो देखी है बट येटी अभी भी एग्जिस्ट करता है क्या? तो लेजेंड कहता है एक बार शर्पास विलेज वाज अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ येटीज। तो शर्पा गैंग ने प्लान बनाया, उनको दारू पिलाते हैं और आपस में लड़वा के मरवा देते हैं। उनका प्लान काम कर गया, बचे हुए येटीज ने रिवेंज की सौगंध खाई एंड मूव्ड अप हायर इनटू द माउंटेंस एंड ऑन एंड ऑफ शर्पास पे आतंक मचाने के लिए नीचे आते हैं। वाओ, नाउ दैट्स सम स्टोरी। सच ही कहते हैं लोग, शराब ना हर प्रॉब्लम का रीजन है। Even in Northern California, way back in 1958, the legend of Bigfoot made headlines known to attack loggers and hikers. Yeti ka legend itna popular ho gaya ki uspe bahut si filmen, articles aur podcasts ban gaye hain. Hey, you know like these Yetis left for up mountains, वैसे ही राजस्थान में एक गांव है कुलधारा near Jaisalmer that was abandoned overnight by its people and till date nobody knows why. There are so many eerie stories about that village. हॉन्टेड पैलेस, हॉन्टेड होटल, हॉन्टेड घर सुना है, यहाँ तो पूरा का पूरा विलेज ही हॉन्टेड है। Exactly. Some of the structures of Kuldhara date back to 13th century, but since 1825, nobody has lived there. And according to the local lore, almost 1000 Paliwal Brahmin villagers, they abandoned their home overnight without a trace, disappeared in thin air. एक कॉन्स्पिरेसी कहती है कि वहाँ का एक ग्रीडी रूलर है, उसने हाई टैक्सेस के चक्कर में उनका वाटर सप्लाई बंद कर दिया। और एक कहती है दैट द वेल्स वर पॉइजन्ड। दुगना लगान। या, बट द मोर फेमस लेजेंड सेज कि उस गांव में एक मिनिस्टर था सलीम सिंह। ही हैड एन इविल आई ऑन द डॉटर ऑफ द विलेज शिफ्टन। वन डे उसने गांव वालों को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर उसको लड़की नहीं दी गई तो वो गांव वालों पर आतंक मचा देगा। बट गांव वालों ने डिसाइड किया टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द गर्ल एंड देयर विलेज। एंड मिनिस्टर के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने रातों रात वो पूरा गांव खाली कर दिया। एंड व्हाइल लीविंग द विलेजर्स कर्स्ड द विलेज दैट नो वन विल एवर बी एबल टू लिव देयर। एंड एक्चुअली नो वन कुड। अपेरेंटली इफ एनीवन ट्राइज टू लिव ही विल डाई। आई विश पीपल हु किल इन द नेम ऑफ ऑनर लर्न समथिंग फ्रॉम दिस स्टोरी। या, आई एग्री। एंड यू नो मेनी पीपल एंड इवन द इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी have reported disembodied whispers, screams, and eerie noises. People also claim to have seen apparitions and heard footsteps in the dark hours there. Socho, ek time ka hara bhara bustling gaon, and today is a deserted rubble, broken walls of erstwhile houses, and overgrown shrubs with dilapidated layouts. You know, it will be so fascinating to know कि उस गांव के लोग कौन थे और क्या हुआ था उनके साथ। Guys, if you have ever visited this ghost town or have more such ghost stories of Kuldhara, do write us in our comment section below. वैसे Kuldhara से मुझे बीजिंग की ghost bus की chilling story याद आ रही। Oh, this is fun. You know, developed देशों के भूत भी ना developed होते होंगे। So like many urban legends, this one begins on a dark, stormy night. Story कुछ ऐसे है, a bus is traveling late at night, the last one of the day. सामने सड़क पे दो लोग बस को रुकने के लिए इशारा करते हैं। The driver is reluctant to stop, but फिर उसको शायद दया आ जाती है, and he lets them in. अब तक it sounds normal. इंडिया में तो बसेस कहीं से भी किसी को भी उठा लेती है, but it turns out वहाँ दो नहीं, तीन लोग होते हैं। उनके साथ एक और आदमी था, who was in a very rough shape.
इन फैक्ट वो तीनों ही देखने में अजीब लग रहे थे एंड कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए थे, समथिंग फ्रॉम चिंग डायनेस्टी। फिल्मी लूपहोल के हिसाब से ड्राइवर को लगा कि शायद ये तीन एक्टर्स हैं जिनको कॉस्ट्यूम बदलने का टाइम नहीं मिला। एज द बस कंटिन्यूड, धीरे धीरे लोग कम होने लगे। तभी दो पैसेंजर्स एक आदमी से झगड़ने लगे एंड बात इतनी बढ़ गई कि तीनों बस से उतर गए। बस आगे निकल गई। एक पैसेंजर क्लेम्स कि एक एक्सक्यूज था टू गेट आउट ऑफ द बस एज द लास्ट थ्री पैसेंजर्स हैड नो लेग्स। उनके लेग्स जमीन पे थे ही नहीं। वो वहां लोकल पुलिस के पास भी गए बट पुलिस ने हंसी में टाल दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज मिली कि उस बस ने अपना रूट कंप्लीट ही नहीं किया। कुछ कहानियों का माने तो बस कभी मिली ही नहीं। एंड कुछ स्टोरीज से कुछ दिनों बाद वो बस मिली जिसमें तीन डीकम्पोज्ड बॉडीज थी। थैंक गॉड मैं बस में ट्रैवल नहीं करती। इमेजिन आपका को पैसेंजर भूत या आत्मा निकले। ऐसे तो बहुत अर्बन लेजेंड्स हैं दैट इवन सराउंड मिस्टिकल क्रिएचर्स। ओह यस, लाइक द इविल डॉपलगैंगर ऑफ सांता क्लॉज नेम्ड क्रैम्पस, हाफ गोट हाफ डीमन, हू इज द बैड कॉप टू सांतास गुड कॉप। माना जाता है एक तरफ है सांता द जॉली बियर्डेड फेलो हु ब्रिंग्स गिफ्ट्स टू किड्स, क्रैम्पस ऑन द अदर हैंड इज इविल जो शैतान बच्चों को डराता है टू बिहेव बेटर। उन्हें लकड़ियों से मारता है एंड इवन सैक में बंद करके हेल में फेंक देता है। Krampus is mainly a German and Austrian figure, though many countries have their own versions and celebrate December 5th as Krampus Night, known as Krampus Nacht. किसी को नहीं पता ये tradition शुरू कहाँ से हुआ, but beliefs suggest it started when Moors raided European town, kidnapping locals and selling them into slavery. The devilish companion of Saint Nicholas, Krampus शब्द आता है German word Krampen से, meaning claw. According to another legend, he is the son of Hel, the Norse god of the underworld. Krampus run, called Krampus Lauf, Austria and Germany में काफी popular हुआ, where people dress as the creature, parade the streets, scaring spectators and chasing them. Krampus एक urban legend बन चुका है, जिसपे कई movies भी बनी है, जिनमें popular है Krampus, Krampus the Devil Returns, Krampus Christmas Devil. I guess आज के लिए बहुत horror हो गया, घर जाके ना नींद नहीं आएगी. So friends, this was our time for today. मैं तो घर जाके कोई मस्त horror movie देखूंगा. And if this has sowed your interest in horror and such urban myths and legends, please like, share and subscribe to Fully Faltu for more such fun episodes. अरे गलती से स्विच बंद हो गई। Fully Faltu, fully entertaining. Like, share and subscribe to our channel Fully Faltu.